लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे समय से पहले आपकी आँखों की रोशनी क्यों कम होने लगती है। इसके कई कारण हैं जिम्मेदार, तो बता रहा हूँ, आप ध्यान से वीडियो देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। क्या समय से पहले ही आपकी आंखें कमजोर होने लगी हैं? अगर हाँ तो समझ जाइए, ये आपके बिगड़ते स्वास्थ्य का एक अलर्ट हो सकता है। आंखों की मदद से हम रोजमर्रा के काम करने में मदद मिलती है। आंखें बहुत कोमल होती हैं, इनकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। आंखों की मदद से ना सिर्फ हम देख पाते हैं बल्कि ये दिमाग तक संदेश पहुँचाने में भी आपकी मदद करती है। आजकल स्कूल जाने वाले बच्चों की उम्र में ही आंखें कमज़ोर होने लगती हैं। जो चश्मा पहले दादा दादी नाना नानी के चेहरे पर दिखा करता था, अब वो छोटे बच्चों के चेहरे पर दिख रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि आंखों के इतने कमज़ोर होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? कई कारण हैं जिम्मेदार, उसमें से कुछ कारण मेन हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला कारण है गलत तरीके से कॉन्टैक्ट लेंस लगाना। चश्मे से बचने के लिए युवा वर्ग कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन आपको बता दें कि आंखें कमजोर होने का एक कारण कॉन्टैक्ट लेंस का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। कॉन्टैक्ट लेंस लगाने से पहले हाथों को अच्छी तरह से धोएं, लेंस को भी सॉल्यूशन से साफ करें। बिना साफ किए गए कॉन्टैक्ट लेंस को इस्तेमाल करने से आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है, यह भी आंखें कमजोर होने का एक कारण होता है। दूसरा कारण है गलत पोजीशन में पढ़ना। पढ़ाई करते समय किताब से आंखों की दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर ये दूरी इससे ज्यादा या कम है तो आंखों पर जोर पड़ सकता है। अक्सर बच्चे किसी भी पोजीशन में पढ़ाई करने बैठ जाते हैं, लेकिन ये आदत उनकी आंखों के लिए खतरनाक हो सकती है। कोशिश करने की पढ़ते समय आपकी टेबल कुर्सी का इस्तेमाल करें, बच्चों को बेड पर बैठकर या लेटकर पढ़ने से रोकें। तीसरा रीजन, पोषक तत्वों का सेवन ना करना। आंखों के कमजोर होने का कारण अनहेल्दी डाइट हो सकती है। आंखों के सेहत के लिए विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई जैसे पोषक तत्वों का सेवन करें। आंखों को हेल्दी रखने के लिए पालक और गाजर का जूस फायदेमंद होता है। सर्दी के दिनों में मिलने वाला आंवला भी आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है। आप सहजन को भी अपनी डाइट में शामिल करें। हेल्दी डाइट लेने से आई विजन इम्प्रूव होता है। चौथा रीजन है धूम्रपान करना। धूम्रपान के कारण आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है। स्मोकिंग करने से आंखों में ड्राइनेस आ सकती है। ड्राइनेस बढ़ने के कारण आंखों पर जोर पड़ता है। धूम्रपान का सेवन करने से ऑप्टिकल नर्व डैमेज, मैकुलर डिजनरेशन, मोतियाबिंद जैसी बीमारियां हो सकती हैं। पांचवा रीजन है पलकों को ना झपकाना, यानी ब्लिंक ना करना। आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है तो इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि आप पलकों को कम झपकाते हैं। दरअसल जब हम आंखों को ब्लिंक करते हैं तो उसे आराम मिलता है, आंखों में नमी बरकरार रहती है और आंखें सूजती नहीं है। हर 30 सेकेंड के बाद आंखों को ब्लिंक करें। दिन भर स्क्रीन में देखने के कारण, अभी मोबाइल हो या कंप्यूटर हो या फिर डेस्कटॉप हो, जो भी है, अब बहुत समय तक आप देखते हैं तो आंखें आप ब्लिंक नहीं करते हैं। इस कारण भी आपकी आंखें खराब हो सकती हैं और आंखों में तनाव भी बढ़ जाता है। इसलिए आप मोबाइल देखें लेकिन हर एक 15-20 मिनट के बाद आंखें आप ब्लिंक जरूर करें। हो सकता है तो 5 मिनट के ब्रेक भी ले लें तो आपकी आंखों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये हमारा आज का वीडियो। धन्यवाद।